अस्सलाम अल्लाम डियर स्टूडेंट्स टुडे इज़ मंडे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर यूनिट नंबर टू ओके पेज नंबर नाइन ओपन करें यूनिट नंबर टू आज हम इसकी रीडिंग करेंगे द टॉपिक ऑफ द स्टोरी इज़ फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के दोस्त ऑल ऑफ दिस एनिमल्स ये तमाम जानवर मेक देयर होम्स अपने घर बनाते हैं इन और अराउंड द फॉरेस्ट जंगलों के अंदर या उसके इर्द गिर्द कौन से जानवर ये जो हम आगे पढ़ेंगे द डियर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दीज हिरन इनमें सबसे बड़ा है डियर आर हरबीवोर्स हिरन सब्जा और जानवर हैं दे इंजॉय वो लुत्फ उठाते हैं ग्रॉस एंड बेरीज वो क्या खाने में लुत्फ उठाते हैं बेर घास और पत्ते नॉट मीट और वो गोश्त नहीं खाते हैं दे मेक अ बर्पिक साउंड वो डकार जैसी आवाज़ निकालते हैं कॉल्ट अ ग्रोन जिसे ग्रोन कहते हैं द मेल इज़ बक जो मेल हिरन होता है जो मेल होता है उसको हिरन कहते हैं बक का मतलब होता है हिरन एंड द फीमेल और जो फीमेल होती है इज आ डो उसको हिरनी कहते हैं द रेड स्कल इज एन अदर वुडलैंड एनिमल सुर्ख गुलहरी एक और जंगली जानवर है इट इज अडेंट रोडेंट होते हैं कुतरने वाले या जमीन खोदने वाले जानवर इट इज़ अ रोडेंट ये गुलहरी रोडेंट है रोडेंट्स हैव शॉर्प टीत रोडेंट्स के तेज दांत होते हैं हेल्प हेल्थ जो उनको मदद करते हैं कट ओपन हार्ड फूड्स जो उनको सख्त खाना जो होते हैं, उनको तोड़ने में मदद करते हैं उसको खोलने में कौन सा खाना लाइक like नट्स जैसे कि नट्स नट्स में क्या आएगा नट्स में मूंगफली आ सकती हैं पिस्ताचू आ सकता है, ठीक है पिस्ता आ सकता है बादाम आ सकते हैं ये सब नट्स हैं स्क्रल्स कैदर केरल्स गलेरियाँ इकट्ठे करती हैं नट्स नट्स को एंड स्टोर दैम और उनको जखीरा कर लेती हैं फॉर दिनटर मंथ्स सर्दी के महीनों के लिए रेड्स माइस एंड हेम्स्टर्स आर ऑल्सो रोडेंट्स ये रेड्स एंड माइस दोनों चूहे की इकसाम है और हेम्स्टर क्या होते हैं चूहे जैसा एक जानवर है ठीक है ये सब जानवर रेड चूहे और हेम्स्टर भी रोडेंट हैं सेकेंड पैसेज में आएँ फ्रॉक्स आर स्मॉल स्मूथ स्किन क्रीचर्स मैंडक एक छोटे चमकीली जेल वाली मखलूक हैं दैट लाइक जो पसंद करती हैं, वेट एंड स्वैम्पी एरियाज गीले और स्वैम्पी होते हैं दलदली या कीचड़ वाली जगह ठीक है ऐसे इलाके मेंडक पसंद करते हैं दे ले एग्स वो अंडे देते हैं कॉल्ड फ्रॉक स्पॉन्स जिन्हें फ्रॉक्स पॉन कहा जाता है एंड लिटल टैट बोल्स और छोटे मेंढक के बच्चे केम आउट ऑफ द एग्स उन अंडों से बाहर आ जाते हैं उनको टैट बोल्स कहते हैं फ्रॉक्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स हाइंड लेग्स होती हैं पिछली टांगे उनकी बहुत मजबूत पिछली टांगे होती हैं सो ताकि दे आर ग्रेट एट जम्पिंग सो का मतलब है इसलिए सो दे आर ग्रेट एंड चम्पिंग इसलिए वो छलांग लगाने में बेहतरीन होते हैं कौन फ्रॉग्स ठीक है आज के लिए इतना ही है आप इसको रीड करें लिसन करें जब तक आपको आ नहीं जाता ठीक है विल कॉन्टिन्यू नेक्स्ट हाफ टमारो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ़ अल्लाह हाफि